Hi everyone, welcome to Unacademy Neet. Let us start our Super 10 series, and today's topic that we are going to discuss is one of the most asked topic in NEET examination, that is spermatogenesis. It's a part of gametogenesis under human reproduction. Spermatogenesis से भी पास में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको डिटेल में समझते हैं, साथ ही में देखते हैं किन किन aspect में से क्वेश्चन आ सकते हैं. Along with spermatogenesis, we will also discuss the हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां से भी क्वेश्चन आता है. सो लेट अस स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस. सो स्पर्मेटोजेनेसिस गाइस, व्हेन एवर द टर्म विल कम, जेनेसिस, जेनेसिस का हमेशा मतलब होता है कुछ ना कुछ बन रहा है, फॉर्मेशन. ठीक है, समथिंग इज बींग फॉर्म, कुछ ना कुछ बन रहा है. क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है. अब स्पर्म बनाने के लिए हमें जो सेल्स चाहिए, दोज आर कॉल्ड एज स्पर्म मदर सेल्स, और दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया कहाँ मिलेंगे? ये बनाया मैंने सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप देखोगे तो वी हैव गॉट क्यूबॉइडल सेल्स लाइक दिस, एंड दीज क्यूबॉइडल सेल्स दे आर कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम, या फिर बेटा इन क्यूबॉइडल सेल्स को क्या बोल दोगे तुम? स्पर्मेटोगोनिया. और बीच में हमें थोड़े थोड़े बड़े नर्व्स वाले सेल्स भी मिल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज सर्टोलाइट सेल. तो आज जो हमने जिन सेल्स को लेकर स्पर्म बनाने हैं, दीज आर एक्चुअली दिस वन, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, टाइप ऑफ सेल्स क्यूबॉइडल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. तो एक स्पर्मेटोगोनिया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक, स्पर्मेटोगोनिया. Now, as you know that all the cells of your body, they are diploid except gametes. अब diploid cell मतलब ploidy क्या हुई? Ploidy हुई बेटा इनकी, that is 2m. The ploidy is actually 2m. सबसे पहला step in spermatogenesis is going to be growth of these spermatogonia. ये जो spermatogonia है इनका size बढ़ेगा, ये mature होंगे and divide करके अपना number बढ़ाएंगे और किस में convert हो जाएंगे? Primary spermatocytes. So, spermatogonia, they are going to perform next division. Division है बेटा हमारे पास mitosis, ये याद रखेंगे. The type of the division is mitosis. Mitosis करने के बाद इन सेल्स का क्या हुआ? नंबर बढ़ा है ना. नंबर बढ़ने के बाद इनकी ग्रोथ हुई, साइज भी बढ़ गया. नाउ दीज सेल्स जिन्होंने माइटोसिस करी उनको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी. प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिख रही हूं. उनको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. They are called as primary spermatocytes. Now you know that in case of mitosis, ये कैसे division होती है? Equational होती है, reductional होती है. Mitosis is basically equational division. So the ploidy level of primary spermatocyte is also going to be 2n. है ना, ये भी diploid ही रहेगा. अब सारे के सारे spermatogonia mitosis करके primary spermatocyte नहीं बनाते, कुछ रह जाते हैं. जो रह जाते हैं बेटा वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, और जो आगे बढ़ गए, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, वो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे. नाउ दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे विल अंडरगो नेक्स्ट डिवीजन, एंड द नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस वन. अगली डिवीजन कौन सी है? दैट इज गोइंग टू बी मियोसिस वन. एंड मियोसिस वन करने के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा? यहां पर दो सेकेंडरी, सेकेंडरी माने 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब मियोसिस आपको पता है पार्ट्स में होती है, वन हो गई है. वन कैसे डिवीजन होती है? रिडक्शनल होती है. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी एन नाउ. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेरे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. अब बेटा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे डिवाइड करेंगे मियोसिस टू में, है ना. अब कौन सी डिवीजन होगी? नेक्स्ट इज गोइंग टू बी मियोसिस टू. और मियोसिस टू कैसी होती है? इक्वेशनल होती है. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे बना लेंगे राउंड राउंड सेल्स. अभी इनके पास टेल नहीं आई, ये नॉन मोटाइल है, बड़े बड़े, साइज भी बड़ा है इनका बहुत. ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे स्पर्मेटेड. क्या बोल दोगे? स्पर्मेटेड. इक्वेशनल डिवीजन होती है मियोसिस टू, तो प्लॉइडी लेवल भाई इनका क्या रहेगा? एन रहेगा. अभी क्या ये स्पर्म जैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा. मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा. हमें राउंड सेल नहीं चाहिए, हमें तो टेल वाला फ्लैजिलेटेड सेल चाहिए. तो अब बेटा इसमें चेंजेस आएंगे. देयर विल बी चेंजेस इन द
structure of this permitted and this is going to convert into flagellated cells which are now called as spermatozoa. Spermatozoa also called as sperms. ठीक है, अभी हमने कोई प्लॉइडी लेवल छेड़ा ही नहीं है तो n by 2 थोड़ा हो जाएगा, कोई डिविजन नहीं करी है, बस स्ट्रक्चर चेंज किया. क्या किया स्ट्रक्चर में चेंज? जैसे जो राउंड सेल के माइटोकॉन्ड्रिया थे इतने सारे, वो सब इकट्ठे होके स्पाइरली अरेंज हो गए. उसके जो सेंट्रियोल थे वो इकट्ठे आ गए प्रॉक्सिमल डिस्टल. गोल्जी था बिल्कुल टिप पे चला गया, उसने एक्रोसोम बना लिया. तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज करके क्या बना लिया है हमने, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स बन गए हैं. अब इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप ध्यान दोगे इस जगह पर तो बेटा सिर्फ स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. क्या बन रहा है? स्पर्मेटोसाइट. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, है ना. स्पर्मेटोसाइट बन रहा है अभी, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना फिर सेकेंडरी बना, तो ये कहलाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. यहां पे अगर आप देखोगे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है. इस प्रोसेस को बेटा आप बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस, है ना. एक हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, दूसरा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्म बन रहा है फ्रॉम स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना. लेकिन अभी क्या स्पर्म रेडी है टू बी डिलीवर्ड? नहीं बेटा, अभी स्पर्म रेडी नहीं है. बनने के बाद स्पर्म का जो हेड है ना वो घुस जाएगा सर्टोली में जाके. ये मैंने ब्लू वाले सर्टोली बनाए थे, वापस आ जाओ इस डायग्राम में. दीज वर सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है. यहां पर जब आपके पास स्पर्मेटोजोआ बन गया तो स्पर्म क्या करेगा, ये रहा स्पर्म मान लो, स्पर्म क्या करेगा अपने हेड को बेटा घुसा लेगा इसके अंदर, क्योंकि यहां से इसको नरिशमेंट मिलती है, है ना. इसने घुसा लिया अंदर. अब जिस प्रोसेस से द स्पर्म इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सर्टोली, द हेड ऑफ द स्पर्म इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द सर्टोली, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. दैट रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली, रिलीज ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सर्टोली इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. कंफ्यूज कौन सी टर्म्स करती है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन. बच्चे इसमें हमेशा गड़बड़ करके आते हैं. स्पर्मिएशन में जेनेसिस वर्ड नहीं आ रहा, जेनेसिस नहीं आ रहा तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये रिलीज वाला प्रोसेस हो गया. जिसमें जेनेसिस वर्ड आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ बनेगा. यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बनी, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है फ्रॉम द राउंड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड, ठीक. ये पूरा प्रोसेस है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का. अब इस प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म्स बन सकते हैं, कितने स्पर्म्स पॉसिबल है. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी बने, इस एक सेकेंडरी ने बेटा दो स्पर्म बनाए. अगर ये भी अपनी मेयोटिक डिविजन पूरी कर ले तो यार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैन फॉर्म टोटल फोर स्पर्म्स. याद रखेंगे दैट फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट कैन फॉर्म हाउ मेनी स्पर्म्स. अभी मैंने बताया इट कैन फॉर्म फोर स्पर्म्स. भाई यही तो रीजन है कि मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन का नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल. फीमेल में ऐसा नहीं है, वो मैं आपको जेनेसिस वाले प्रोसेस में बताऊंगी. देन और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वट इज गोइंग टू बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी की प्लॉइडी लेवल देखें तो यार माइटोसिस से बनती है 2n. What is going to be the ploidy level of secondary spermatocyte? Its ploidy level is going to be n. क्योंकि यहाँ पर आपकी first meiosis हो चुकी है. अब इसके आगे जितने भी आएंगे सब लोग क्या है, n है. Then question can come, अगर आपके पास 25 spermatocyte है primary, तो कितने sperms बना सकते हो. Primary अगर एक था तो तुमने चार बनाए, 25 थे तो तुम 100 बना लोगे. उल्टा question भी आ सकता है कि आपके पास 100 स्पर्म्स है, हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट से बना होगा, कितने प्राइमरी से बना होगा. उल्टा चलो, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25. सो दिस टॉपिक आई होप इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हार्मोनल कंट्रोल, अरे अभी याद आया हमने माइक तो लगाया नहीं, आवाज तो आ रही थी ना. मैं दोबारा लगा लूं, आता तो क्लियर हो, आ तो रही होगी. आई नो कम आ रही होगी बट आ रही होगी, है ना. थोड़ी आवाज तेज करके सुन लेना, अभी याद आया जस्ट अभी.
हो जाता है. एनीवे, सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहां से स्टार्ट होता है? आपके मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा? दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना. मास्टर पे आ जाओ, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स क्या रिलीज करेगा? दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन्स, वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, अदर वन इज कॉल्ड एज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH. ICSH क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, लेडिक सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलते हैं ना, तो इसीलिए इसको बोल देंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. FSH किसको स्टिमुलेट करता है? FSH एक्चुअली स्टिमुलेट सर्टोली सेल. किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? सर्टोली को. LH नाम से ये ल्यूटिनाइजिंग किसको स्टिमुलेट करेगा? L फॉर LH, L फॉर लेडिक. किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल्स को. अब सर्टोली ने क्या क्या काम कराए? सबसे पहले सर्टोली हेल्प्ड इन टू प्रोसेसेस. इसने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प किया, ठीक है, स्पर्म बनाने में, और बेटा इसने स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प किया. ऐसे फैक्टर्स रिलीज किए जिसने स्पर्म का शक्ल ही बदल दिया, राउंड से उसको फ्लैजिलेटेड कर दिया, ठीक. लेडिंग ने क्या काम किया? लेडिंग ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, है ना, टेस्टोस्टेरोन. लेडिंग ने क्या रिलीज किया? टेस्टोस्टेरोन. एंड इस टेस्टोस्टेरोन ने अल्टीमेटली किस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो दोनों मिलके, सर्टोली और लेडिग मिलके बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं. साथ ही में टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है. इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अब अगली चीज, जब ये काम सफिशियंट हो चुका है, सफिशियंट स्पर्म्स बन चुके हैं, अब हमें और नहीं चाहिए, तो यार नेगेटिव फीडबैक देनी पड़ेगी, ऊपर वालों को मना करना पड़ेगा कि बस करो. तो ये जो बेटा आपका सर्टोली है, इन ऑर्डर टू गिव नेगेटिव फीडबैक इट सिक्रीट्स इनहिबिन. क्या सिक्रीट करता है ये? क्या सिक्रीट करता है बेटा? इनहिबिन. ये इनहिबिन जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है नेगेटिव फीडबैक, है ना. क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक कि बस भैया हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, अब और नहीं करानी. एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाएगा बंद करो इसका रिलीज, नहीं चाहिए FSH. FSH नहीं आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस आगे नहीं बढ़ेगी, मामला सॉल्व. नेगेटिव फीडबैक बेटा यहां से भी आती है, टेस्टोस्टेरोन से भी आती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की बात ही अलग है. टेस्टोस्टेरोन की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है. टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी को तो नेगेटिव फीडबैक दे ही सकता है, साथ ही में बेटा किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है. इस पे क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में कि इनहिबिन किस तक पहुंच सकता है? एंटीरियर पिट्यूटरी तक. लेकिन टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देता है. इससे आपका ये पूरा सिस्टम क्या रहता है? कंट्रोल्ड सिस्टम रहता है, है ना. सो ये बात थी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की, प्लस साथ में हमने डिस्कस किया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये आपके सामने मैंने पूरा वैसे बना दिया है, मुझे लगता है अब आपको समझ आ चुका होगा. तो एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो आया था नीट 2018 में. क्या सवाल है? डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस कुछ बन रहा है, वो राउंड स्पर्मेटिड से फ्लैजिलेटेड स्पर्म बन रहा है. स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द हेड ऑफ द सर्टोली. चलिए, इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली आर रिलीज. ना भाई, ये नहीं हो सकता. जेनेसिस में हम रिलीज कैसे करा दे? इन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड. भाई स्पर्मिएशन में जेनेसिस थोड़ा तो कुछ बनेगा तो नहीं, ये भी क्रॉस. नेक्स्ट, इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड. फिर से स्पर्मिएशन में इन्होंने कुछ ना कुछ बना दिया, कुछ नहीं बनता स्पर्मिएशन में, ठीक है. स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक,
एंड इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो बेटा द ओनली करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. आई होप अब आप इस तरीके के बेस्ड ऑन स्पर्मियोजेनेसिस, बेस्ड ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, बेस्ड ऑन हार्मोनल कंट्रोल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करो. प्लीज अपने सारे जूनियर्स के साथ शेयर करो इसको. आई रियली वॉन्ट दिस सीरीज टू रीच मैक्सिमम पीपल सो दैट बेटा मैं मैक्सिमम लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ एंड मैक्सिमम लोगों तक ये फास्ट सीरीज जो आप कभी भी बैठ के ब्रश करते हुए, खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए कभी भी देख सकते हो. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो विद माई अनदर सेशन. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक.